आज जिस बात की खुशी जेएमएम कांग्रेस या महागठबंधन मना रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये खुशी वैसा ही है जैसे नेता लोग कोई आश्वासन देते हैं, नेता आश्वासन दे के चला जाता है, लोग खुशियां मनाते हैं और बाद में निराशा। मेरा ये कहना है कि आप सत्ता में हैं, पूर्ण बहुमत में हैं, फिर आपको परेशानी क्या है? आप कीजिए, आपका विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा, विरोध कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, उनका सांसद विरोध कर रही है, उनका विधायक विरोध कर रही है, फिर खुशियां मना रहे हैं। आपने बन्ना गुप्ता जी के चेहरे पर चेहरा देखा है आपने? बन्ना गुप्ता जी खुशी के माहौल में, देखिए सब का दांत दिख रहा है, खुशी में इतना था कि सबका दांत दिख रहा है। अब बन्ना गुप्ता जी एकदम मायूस होकर के हैं। ये कांग्रेसियों का चरित्र है। मेरा कहना है कि ये लागू हो जाए खतियान 1932 का, पिछड़ों का आरक्षण, ये जानते हैं कि 27% आरक्षण मान्य नहीं होगा, चूँकि यदि जोड़ दिया जाए एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, कितना हो जाता है 77। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा मान भी लिया जाए तो भी कितना हो रहा है 67%, कहाँ से देंगे? तो इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। सरना धर्म कोड को भी इन्होंने पास करके भेज दिया। अरे भैया, खाली विधानसभा से पास करके भेज देने से किसी को उसका लाभ नहीं मिलता, ये लोग का चरित्र ही ऐसा। अभी देखा नहीं आपको दुमका के अंकिता सिंह को घोषणा की है कि उसको नौकरी देंगे, प्राइवेट नौकरी चपरासी का दे दिया। ये इन लोग का चाल चरित्र चेहरा दिनों उजागर है। तो बीजेपी को 1932 के खतियान की कोई आपत्ति नहीं है? क्या आपत्ति है जरा बताइए? आपको पता ही होगा कि जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी 2000 में, उन्होंने तो 1932 का खतियान पर काम किया था, पिछड़ों का आरक्षण पर भी काम किया था। क्या हुआ उसका? मिल रहा है क्या लोगों को? यही स्थिति इस महागठबंधन की सरकार की भी होने वाली है। हम लोग को क्या, बीजेपी को क्या, क्यों आपत्ति होगा भाई? बीजेपी जनता के हित में काम करते हैं। जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हैं, जो शासन में होता है, सत्ता में होता है, उसका दायित्व तो बनता है। जब बात करते हैं 3,25,00,000 जनता का, तो 3,25,00,000 में वैसे लोग भी आते हैं जो तथा कथित बाहरी हैं, जिनको आप बाहरी कहते हैं, वो भी उस 3,25,00,000 में आते हैं। एक सत्ता नशीन, सत्ता में जो रहते हैं, उनका ध्यान, उनका ख्याल झारखंड की 3,25,00,000 जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, झारखंड के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये जश्न मनाने का समय नहीं है, लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। तो क्या मतलब एक सेंटीमेंट होता है? नहीं, क्यों ये लोग समझ नहीं रहे जो चीज़ें आप समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे जो जश्न मना रहे? नहीं, आप भी समझ रहे हैं ना। एक महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर क्या कहा था, आप लोग भूल गए होंगे। असंभव है, असंभव है, कानूनी पेच है, कानूनी पेच है। अब क्या हुआ, कानूनी बाधाएं दूर हो गई क्या? तो मेरा कहना है ये टोटली दोनों लॉलीपॉप। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।